इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, जो कि है एक्सरसाइज 7.1 क्लास 9th, और चैप्टर का नाम है ट्रायंगल्स। इसमें हमें प्रूफ करना है दो पार्ट्स में, ट्रायंगल DAP यानी DAP ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना है हमें EPB के, और दूसरा पार्ट है AD BE के बराबर करना है। हमें गिवन दिया हुआ है ये जो एंगल है इस एंगल के बराबर है और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। तो हम जब भी हम कॉन्ग्रुएंट करते हैं तो हमें तीन चीज़ें चाहिए होती हैं, या तो दो एंगल एक साइड मिल जाए, या फिर एक एंगल दो साइड मिल जाए, या तीनों साइड मिल जाए। इसी तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं कॉन्ग्रुएंसी रूल का, जो हमें पता है। तो अब कैसे इसको कर सकते हैं, एक बार मैं इसको ट्रायंगल को अलग अलग बनाकर एलैबोरेट कर देता हूँ। तो हमें बताना है कि ये जो ट्रायंगल DAP है इसको बराबर करना है EPB के। मुझे ये जो एंगल दिख रहा है, ये वाला एंगल, ये दो हिस्सों में टूटा हुआ है। यानी अगर मैं कह दूँ ये जो एंगल है EPA यानी ये वाला एंगल, वो बराबर है DPA के, अगर इन दोनों एंगल के अंदर मैं ये वाला एंगल जोड़ दूँ, ऐड कर दूँ, यानी EPD को इन दोनों एंगल के अंदर अगर ऐड कर देता हूँ, तो मुझे ये पूरा एंगल मिल जाएगा, जिसको मैं नाम दूंगा APD। और इसी तरीके से इसके अंदर ये भी टूटा हुआ है, तो अगर मैं ये वाला एंगल जो यहाँ पे कॉमन दिख रहा है EPA यानी ये एंगल जोड़ दूँ, तो ये पूरा एक एंगल बन जाएगा EPB। ठीक है, तो इस तरीके से मैं कह पाऊँगा कि ये जो ट्राइंगल है जिसके अंदर इसके अलावा मुझे गिवन दिया हुआ है कि ये जो लाइन सेगमेंट AB, इसमें ये जो P है ना, P ये मिड पॉइंट है, यानी P इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB। इसका मतलब ये हुआ कि AP बराबर हो जाएगा PB के या BP के। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे गिवन हो जाएगा दो एंगल के बीच में ये साइड आ जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ एंगल साइड एंगल से ये प्रूव हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो इसी चीज़ को मैं अब सॉल्व करूँगा। ठीक है, अब जैसा कि मुझे ये गिवन है और इन्हीं गिवन का इस्तेमाल करके मैं ऐड करूँगा, तो सबसे पहले मैं ये पूरा एंगल बराबर करूँगा। जैसा कि मुझे गिवन दिया हुआ है EPA यानी EPA ये वाला एंगल बराबर है DPB के, इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। और इसके अंदर अगर मैं ये वाला एंगल ऐड करवा दूँ, यानी ऐड एंगल EPD टू बोथ साइड्स, किस में, इन इक्वेशन 1 में, अगर इक्वेशन 1 में मैं ऐड कर दूंगा कुछ इस तरीके से, यानी बोथ साइड, इधर भी मुझे ऐड करना है EPD को और इधर भी मुझे ऐड करना है DPB प्लस EPD। अब देखो ये जो ट्राइंगल एंगल है EPB, इसमें मैंने ये वाला एंगल जोड़ दिया, तो ये पूरा एंगल बन जाएगा, जिसको मैं नाम दे दूंगा APD। ये पूरा एंगल बन गया यानी ये वाला एंगल। और इसी तरीके से DPB के अंदर यानी इस एंगल में मैं EPD जोड़ दूंगा, तो मुझे पूरा ये वाला एंगल पता चल जाएगा। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा EPB के। ठीक है, यानी ये वाला एंगल पूरा, इसको इक्वेशन में सेकंड कह देता हूँ। ठीक है, अब मैं कॉन्ग्रुएंट करता हूँ। अब मैं देखूँगा कि ये जो ट्राइंगल है DAP एंड ट्राइंगल EPB, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर पहली चीज़ जो मुझे गिवन थी वो है BAD, जो कि बराबर है ABE के, ये मुझे गिवन दिया हुआ है। दूसरा मुझे ये भी गिवन दिया हुआ है, जो AB है वो BP के बराबर है, क्योंकि P जो है मिड पॉइंट है AB का, इस वजह से। और तीसरी चीज़ मुझे APD बराबर है EPB के, जो कि इक्वेशन सेकंड से मैंने यहाँ से दिखाया। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जब भी दो एंगल बीच में एक साइड आ जाता है, तो ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, ट्राइंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट टू EPB। किस रूल के ज़रिए से, दो एंगल के बीच में साइड है, तो हम कह सकते हैं एंगल साइड एंगल रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे।
और जो दूसरी चीज दिखा दूसरा पार्ट जो है इसके अंदर वो है ए डी बी ई के बराबर। अगर मैं देखूँ ए डी जो है इसी का हिस्सा है, ये तो वो ए डी इस वाले ट्राइंगल के अंदर आ रहा है ए डी, और ये जो बी ई है इसी ट्राइंगल का हिस्सा है, यानी दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल जब हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होते हैं। तो मैं कह सकता हूँ ये दोनों इन्हीं के करस्पॉन्डिंग पार्ट है, तो मैं सी पी सी टी से इनको कह दूंगा कि ये बराबर है। सी पी सी टी का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, हेंस प्रूव्ड। यही हमें इस क्वेश्चन में करना था। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 7।